आइए बनाते हैं क्रीमी इंग्लिश ट्राइफल। तो पहले हमें इस ट्राइफल के लिए एक अच्छा सा कस्टर्ड बनाना है, और कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए दूध, क्रीम, अंडे, और इन सब को हम पकाने वाले हैं। ले लेते हैं एक पतीला। अब इस पतीले में पहले हम दूध को गर्म करेंगे, दूध और क्रीम को। तो यह है 2 कप दूध और 3/4 कप क्रीम, और इसको उबलने से पहले थोड़े पहले हम बाकी की चीजें अंदर डालेंगे। तो अच्छी तरह गर्म करेंगे लेकिन उबालेंगे नहीं, और तब तक मैं कंबाइन करती हूँ 3 अंडे। अब मैं मिलाती हूँ 50 ग्राम पिसी हुई सफेद चीनी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फेंट लेंगे। आप ये कांटे से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये 1 मिनट के लिए फेंटा है, और मैं इन केलों पर डालूंगी ये नींबू का रस, ताकि ये काले ना हो। तो ये दूध ऑलमोस्ट उबलने वाला है, मैं इसको धीमी आंच पर करती हूँ, और इसमें डालेंगे ये अंडे और चीनी का मिक्सचर, और इसको हम हिलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना बन जाए। तो ऐसे बनता है कस्टर्ड। ये ऑलमोस्ट एक पिघला हुआ आइसक्रीम जैसा है। हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये काफी गाढ़ा हो रहा है, और देखिए मैं ऐसे स्टेज की बात कर रही थी जब ये चम्मच को पीछे से कोट करे ऐसे, तब ये तैयार हो गया है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं। ये कस्टर्ड तैयार है, और अब हम असेंबल करेंगे इंग्लिश ट्राइफल। तो मैं ये इंडिविजुअल ग्लासेस में बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहे आप एक बड़े से बोल में बना सकते हैं बड़े पार्टी के डिजर्ट के लिए। तो पहले हम शुरुआत करेंगे केक के साथ। मैं इसके बेस पे ऐसे केक लगाने वाली हूँ। इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए ताकि बहुत सारे लेयर्स बन सके। अगर ये कस्टर्ड पतीले में बैठेगा तो ये और पक जाएगा, और मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं इसे एक बोल में रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके। तो मैं इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देती हूँ। चलिए बनाते हैं हमारा ट्राइफल। अब इस स्पंज केक के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा जैम। अगर आप चाहे आप जेली भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जैम बहुत पसंद है। मैं 2 छोटे चम्मच जैम के लगा रही हूँ, और जब ये जैम के लेयर्स स्पंज केक के साथ दिख जाएंगे ग्लास से ऐसे, बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब इसके ऊपर फिर से स्पंज केक लगाते हैं। मैं स्पंज केक का चूरा बनाकर डाल रही हूँ ऐसे, ताकि वो अच्छी तरह से ऐसे बैठ जाए। और अब इस स्पंज केक के ऊपर हम डालेंगे मारी बिस्किट्स का चूरा। मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा नीचे दबाएंगे ऐसे। तो मैं इस स्पंज और बिस्किट के ऊपर 2 छोटे चम्मच पानी के डालने वाली हूँ, ताकि ये स्पंज और बिस्किट पानी को अच्छी तरह से सोख ले। अब इस पर डालते हैं फ्रूट्स। तो मैं डालूंगी इसमें केला, और आप इसमें कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, पेयर, एप्पल, पीच, स्ट्रॉबेरीज, और डालेंगे चेरीज कुछ कलर के लिए। और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सुंदर से ग्लास में हमें कलर्स चाहिए और अलग अलग लेयर्स चाहिए। अगर चेरीज ना हो आप इसमें अंगूर डाल सकते हैं। तो ये रहा मेरा चेरी का लेयर। मैं एक और लेयर स्पंज केक का डालने वाली हूँ, ऐसे चूरा करके स्पंज केक और बिस्किट का लेयर, और फिर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा बिस्किट का चूरा, लगभग 2 छोटे चम्मच, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैम। इस क्वांटिटी से आप 6 से 8 ट्राइफल के ग्लास बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 2 बना रही हूँ। इसके ऊपर तकरीबन 4 छोटे चम्मच स्ट्रॉबेरी जैम के। अब इस पर डालेंगे ये चॉप्ड नट्स, और इस सुंदर ट्राइफल के ऊपर डालेंगे कस्टर्ड।
तो ये है मेरा क्रीम और दूध और अंडे का कस्टर्ड। ये हम इसके ऊपर से डालेंगे ऐसे, और काफी सारा डालेंगे ताकि ये ट्राइफल के अंदर तक पहुंचे। इसको थोड़ा सा और सजाएंगे ये ग्लेज्ड चेरीज के साथ। ये चॉप्ड नट्स के साथ परफेक्ट। तो ये हो गए हैं हमारे ट्राइफल तैयार।